नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया डाकघर पर दर्जनों की संख्या में ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन बलिया मंडल के द्वारा राष्ट्रीय जातीय निश्चितकालीन हड़ताल किया गया, जिसके अध्यक्ष कुमार सिंह ने बताया कि 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी 7 मांगे हैं। वहीं मंडलीय मंत्री बृज कुमार पांडेय ने बताया कि हमारी 7 मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग इसी तरह निश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। इस दौरान वीरेंद्र राम, अंकित सिंह, प्रभात सिंह, सुभाष राम आदि लोग 40 महीना भी लग जाए तो हम लोग को हड़ताल पर रहना, इसलिए कि हमारी मांगे जायज है। मैं 40 साल से इस विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, 5 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ। कल हम क्या करके अपने बेटे और बहू के क्या करते हैं कपार पर बोझा बनेंगे, किससे मांगेंगे? हमको आप पेंशन नहीं दोगे, हमको आप दिन भर खटा, ऐसा क्यों? किसी का सर्विस लगा हुआ है, उसका सर्विस का कार्ड हम क्यों पाते हैं? किसी का कार्य आता है, रजिस्ट्री आती है या कोई भी चीज आता है तो हम क्यों पाते हैं? आज बैंक का भी जी सर, आपको पर्चे, मैं बृज कुमार पांडे, ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन के मंडली सचिव, सहायक प्रांतीय मंत्री उत्तर प्रदेश। आज हम लोग केंद्रीय वाहन पर अपनी मांगों के समर्थन में तो बलिया जनपद के समस्त ग्रामीण डाक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांग, हमारे कार्य को 8 घंटा माना जाए। हमारे साथी जो है 8 घंटा से लेकर 12 घंटा तक वर्क करते हैं, लेकिन उनका कार्य जो है 4 घंटा 5 घंटा माना जाता है। ये अन्याय है, बहुत ज़्यादा अन्याय है। हमारे वेतन संशोधन के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी की गठन किया गया था 2016 में, लेकिन आज तक आधी अधूरी 2018 में कमेटी की कुछ रिपोर्ट मान ली गई, और जो मुख्य रिपोर्ट थी जिससे हमारे कर्मचारियों का हित होने वाला था उसको ये सरकार नहीं मानी। उसमें 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष पर वेतन वृद्धि का सिफारिश कमलेश चंद्रा जी ने किया था, मेडिकल की सुविधा दिया था, ग्रेजुटी 5 लाख रुपया देने को कहा था, लेकिन ये सरकार जो है सब में कटौती करके आज तक पेंडिंग में रखी हुई है। इसके पहले हम लोगों ने कई बार धरना दिया, भूख हड़ताल किया, ज्ञापन दिया तमाम अधिकारियों को, तमाम प्रशासन के तमाम मंत्रियों को, लेकिन सब संसद में भी हमारे कुछ जो सांसद हैं जो हमारे दर्द से परिचित होकर के इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। आप लोग का इस समय का मुख्य मांग क्या है? और हमारी मुख्य मांग है कि हमारा वर्क जो है 8 घंटा किया जाए। हम लोग जो है 8 घंटा से अधिक, 8 घंटा से लेकर 12 घंटा तक कार्य करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारी मांग है कि 8 घंटा किया जाए, और वही जो वेतन कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट है पूर्ण रूपेण से लागू किया जाए। आइए अध्यक्ष जी, आप जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, और इस बार हमारे कर्मचारी बड़े आक्रोश में हैं, करो और मरो का नारा दे चुके हैं सभी साथी हमारे। आज तो प्रथम दिन है। कितने लोग इस हमारे बलिया जनपद में 550 ग्रामीण डाक कर्मचारी हैं और विभागीय कर्मचारी 150 है। हमारे ही बलबूते पर डाक विभाग का सभी कार्य किया जाता है। टारगेट के नाम पर हमारे ही कर्मचारी जो है प्रताड़ित किए जाते हैं, टारगेट किए जाते हैं, लेकिन इनको देने के नाम पर हम कमाते हैं और विभागीय कर्मचारी हमारे जो है कमाए हुए पैसों को खाते हैं, सरकार खाती है। आपातकालीन स्थिति में, कोरोना की स्थिति में हमारे साथी जो है जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, कोरोना पीरियड में IPP के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में सभी को सुविधा दिए, लेकिन ये सरकार हमारे कार्य को नहीं देखती है, हमारे दर्द को नहीं देखती है, हमारे भविष्य को नहीं देखती है। और ये जुमलेबाजी सरकार, हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारी बात को ये नहीं मान रही है, तो इस बार हम लोग जो है आर पार की लड़ाई करने के लिए उतरे हुए हैं, और निश्चितकालीन हड़ताल है ये। जब सरकार चाहेगी तभी ये हड़ताल समाप्त होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। जब तक हमारी पूरी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग जो है हड़ताल स्थगित नहीं करेंगे, आश्वासन पर स्थगित नहीं करेंगे। कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन दे करके फिर ये जो है अधिकारी और ये सरकार फिर जो है चुप बैठ जाती है। ठीक।